चुमाओ। अरे रिंकू, यहाँ नहीं छुपना, यहाँ अंदर अंदर आ, अंदर जल्दी 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 आ। सर्वाइवल इंस्टेंट कहते हैं। खतरा देखकर क्यूटी के अंदर लड़ने की पावर्स आ गई। अरे लेकिन इसके अंदर अभी इतनी भी पावर नहीं आई है कि ये इस बड़े डायनासोर से लड़कर हमें बचा ले। तो हमें कौन बचाएगा? अरे क्यूटी, डरो मत, यही तुम्हारी असली माँ है। बालवीर, तुम यहाँ? जिस गुनाह के लिए आपने करुणा जी को गिरफ्तार किया है, वो गुनाह उन्होंने नहीं किया, किसी और ने किया। लेकिन कानून बिना किसी प्रूफ के कोई बात नहीं मानता।
वो देखिए। जिन लोगों को विषैले भोजन की वजह से समस्या हुई थी, मैंने उन्हें ठीक कर दिया है। और अब रही असली गुनहगार की बात, तो मुझ पर विश्वास रखिए, मैं उसे जल्द ही आपके सामने ले आऊंगा। भैरानी सुनिए ना, एक बार देख लीजिए ना कि भारत नगर में क्या चल रहा है। आपको ठीक लगा ना खाना? करुणा जी, खाना खाते मजा आ गया। हाँ। क्या टेस्टी स्वादिष्ट खाना बना था। ये सब ठीक कैसे हो गया? हम दोनों की एक सिलाई की दुकान है, उसमें जितने वर्कर है ना, उन सबको खाने का ऑर्डर आपके यहीं से देंगे। थैंक यू। हाँ भाई, खाना। पहले मारने से पहले मेरी बात सुनिए ना, मुझे एक सिर्फ एक मौका दीजिए सुधरने का। एक आखिरी मौका, तौबा तौबा। कहा बताई, बहुत भारी है। अरे बबुआ, अरे शाम्बा। हाँ। क्या करत रही? खीर बना रहे। अरे खीर में जरा जहर केसर मिलाई दो, हाँ स्वाद आई। अरे का जा, जल्दी जा, जा। एक कहीं का यहाँ क्या कर रहे हो बच्चे? बच्चा होगा तुम्हारा पापा। ऐसा हम नहीं बोल रहा हूँ। हम तो ये बोल रहा था कि खीर में दूध मिलाना क्राइम है का इंस्पेक्टर साहब? ठीक है। अरे क्या ठीक? पापा खीर तो ये दूध ठीक है, बताओ। नहीं नहीं, हम नहीं पीऊंगा ये दूध। नहीं नहीं। देखा इंस्पेक्टर साहब, कहा था ना मैंने, इस सब के पीछे करुणा जी का हाथ नहीं है, बल्कि गाजर के हलवे में जहर भी इसी ने मिलाया था। यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं इनसे कुछ पल बात कर सकता हूँ? आइए। कहा? मैं तुम्हें पुलिस के डंडों से बचा सकता हूँ। अच्छा, शुक्रिया बालवीर, शुक्रिया। तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तुम कहो तो ये दूध पैरानी को जाकर पिला दूँ। नहीं, लेकिन मुझे ये जानना है कि तिमनासा ने वो चित्र किसी गुफा के अंदर छुपाया है। उस गुफा के अंदर जाने के लिए जो सुरक्षा कवच, उस सुरक्षा कवच को कैसे तोड़ा जा सकता है? कोई तरीका? उसे कैसे तोड़ा जा सकता ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने भैरानी को भराजा को ये कहते हुए सुना था कि बालवीर उंगली सीधी करके वो चित्र कभी नहीं निकाल सकता। बालवीर देखो, मैंने आपको सब सब सच सच बता दिया है। अब मुझे यहाँ से भागने का कोई रास्ता बता दो, नहीं तो ये इंस्पेक्टर मेरी खाल उधेड़ देगा। कुछ करो बालवीर। ये लो। क्या है? यहाँ से 10 कदम आगे बढ़ने के बाद ये दबा देना। बालवीर जी, अभी मैं इसे ले जा सकता हूँ? अब तो आपको विश्वास हो गया, ये सब के पीछे करुणा जी का कोई हाथ नहीं है। धन्यवाद मेरी बात मानकर करुणा जी को छोड़ने के लिए। अब आप इसे ले जा सकते हैं, मैं भी चलता। तबा तबा ने कहा था कि उस तस्वीर को हासिल करने के लिए
मुझे अपनी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। बालवीर, तुम सच में इतने नादान हो? तुमने तौबा तौबा की बात पे यकीन कर लिया? लेकिन आज देख भी लिया। मेरे पास तुम दोनों के लिए एक बहुत ही खास तोहफा है, देखना चाहोगे? तुम क्या सोचते हो कि तुम हम पे ब्लफ मारोगे और हमें क्लीन बोल कर दोगे? आ जाओ। बालवीर, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। पीठ पे वार। धन्यवाद वायुपरी, धन्यवाद अनन्या। मेंशन नॉट बालवीर, तुमने दिल से नहीं बुलाया फिर भी मैं आ गई। अब हमें इस निकास द्वार की तस्वीर की मदद से विवान और दोनों बच्चों को जल्द से जल्द बाहर निकालना चाहिए। पता नहीं वो किस हाल में होंगे। मदर डाइनो ने हमें एग्जिट पेंटिंग तो पहुंचा दिया। थैंक यू मदर डायनासोर। थैंक यू। इसलिए कहते हैं कि भलाई का फल भलाई होता है। बाय बाय फायरबॉल। बाय बाय क्यूटी। बाय बाय क्यूटी। हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे, लेकिन अब हमें जाना होगा। विवान, रिकू, आरोही, तुम लोग इस पेंटिंग से बाहर आ जाओ। तुम लोगों के सामने एक एग्जिट पेंटिंग बनी हुई है। चलो। मेरे होते हुए बच्चों को कुछ नहीं हो सकता। हरी,
भैया तो मेरा काम आसान कर दिया। एक के बदले दोनों बालवीरों को इस तस्वीर में कैद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तिमनासा, समय से पहले जीत की खुशी नहीं मनानी चाहिए। इससे पहले भी मैंने मेरा मतलब हमने कितना कुछ किया। विवान, अगर हम मैराथन रेस रन कर रहे हैं और फाइनल लैप में है और टीरेक्स हमें खा जाए तो उसे विनर नहीं शहीद कहलाएंगे। अरे लेकिन तो इससे पहले भी तो कई बार संभाला ना। है तुम दोनों झगड़ा करना बंद करो। उससे पहले टीरेक्स की मॉम आ जाए हमसे बदला लेने। हाँ। हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर जाना चाहिए। चाहे कितनी भी झुंड में क्यों ना आ जाए लेकिन एक शेरनी का शिकार नहीं कर सकती। अनन्या, तुम तस्वीर को संभालो, मैं इसे देखती हूँ। यहाँ से बाहर जाने के लिए हमें उस दरवाजे से बाहर जाना होगा। चलो एक सेकंड। विंग का फ्लो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन और ट्रैजेक्टरी एंगल है 45। तो इसका मतलब अगर हम गुड जॉब गाइस। अभी हम कहाँ गए? ये कौन सी जगह है? क्या हम अभी भी पेंटिंग के अंदर ही हैं? विवान, तुम इन लोगों को एक्सप्लेन करो, मैं और बालवीर जाके पेंटिंग्स डिस्ट्रॉय करते हैं।
मैं समझाता हूँ कि ये सब एक्चुअली हो क्या रहा है। वो सब छोड़ो, लेकिन पहले ये बताओ कि हम है कहाँ पे। हाँ समझा ना। हाँ समझाता हूँ, समझाता हूँ। खुशी दीदी, आंटी ने गाना बहुत अच्छा बनाया है। तो मम्मी किसकी है? और चाहिए? हाँ मुझे थोड़ा हलवा। हाँ मुझे थोड़ी सी खीर। थैंक्स पार्टनर, लेकिन अगर आप ना भी आए होते ना तो मैं उस डायरेक्ट को आराम से संभाल लेता। बात तो सही है, आखिर तुम मैन ऑफ द मैच जो हो। लेकिन एंड बॉल पर आकर मैंने जो सिक्सर मारा है ना, लोग उसी को याद रखेंगे, यू नो विनिंग शॉट। जस्ट जोकिंग विवान, जस्ट जोकिंग। मैंने कहा था कोई तिमनासा कि बालवीर बहुत जिद्दी है। मैं भी कम जिद्दी नहीं हूं रे। मैं बुराई का वो काला सूरज हूं जिसे ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति डुबा नहीं सकती। हाँ, सरल भाषा में मतलब हुआ कि भैरानी भी ठीक है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा था। और मैंने भी अपने अगले हमले की तैयारी शुरू कर दी है। बालवीर, हमारा अगला हमला बहुत घातक होने वाला है।